नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि 24 घंटे बिजली, नई सड़कें, स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाना ही मुख्य एजेंडा रहेगा और इसी कड़ी में प्रदेश का कोई ऐसा गांव नहीं रहा जो 15 घंटे बिजली प्राप्त न करता हो, बल्कि प्रदेश के सैकड़ों ऐसे गाँव हैं जहाँ पर 24 घंटे बिजली मिल रही है और जल्द ही बचे हुए गाँव में भी यह परियोजना के तहत 24 घंटे बिजली देने का स्वप्न भी पूरा कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल बुधवार को हिसार में आयोजित कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान दर्शन दिग्रा पहुंचकर कार्यकर्ताओं व पन्ना प्रमुखों पर गुलाब के फूलों की वर्षा करते हुए उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर सुरेंद्र नामदेव द्वारा सुनाए गए एक गीत का मुख्यमंत्री ने काफ़ी सराहना की, जिससे उन्होंने इस टीम को 21,000 रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पहले चुनाव से रोटी, कपड़ा और मकान का नारा चलता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल में बहुत हद तक इन जरूरतों को भी पूरा कर दिया और 2022 तक हर परिवार को छत देने का वादा भी पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को 2/3 बहुमत प्राप्त कर हरियाणा में फिर से सरकार बनाई जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार पर चोट करना वर्तमान प्रदेश सरकार की 4.5 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बिना रिश्वत व बिना सिफारिश के रोजगार युवाओं को मिला है, इससे वे खुश हैं। माताएं बहनें हर लिहाज से सशक्त हुई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश का किसान भी खुश है कि फसल का दाना दाना खरीदा जा रहा है और खेती में इस समय जोखिम भी कम हुआ है। व्यापार निडर है और निर्भीक होकर के अपना बिजनेस कर रहे हैं। वहीं खिलाड़ियों को सम्मान और आजीविका की हर प्रकार की सुरक्षा हुई है। साथ ही सरकार ने सैनिकों व पूर्व सैनिकों का सम्मान भी बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हरियाणा में सभी 10 स्थानों पर कमल खिला है। उन्होंने कहा कि नेताओं और मंत्रियों का तो बहुत अभिनंदन होता है, लेकिन उन कार्यकर्ताओं का अभिनंदन होना चाहिए जिन्होंने नींद व भूख प्यास की परवाह किए बिना चुनाव में कमल खिलाने का अपना भूमिका निभाई है और पूरी ताकत झोंकी थी। देश में 50 साल बाद देशवासियों ने केंद्र में चल रही सरकार को पुनः बहुमत देकर के नया रिकॉर्ड बनाया है। वहीं उन्होंने बताया कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की 10 की 10 सीटों पर विजय प्राप्त की है। वहीं आने वाले अक्टूबर माह में हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी जनता भाजपा को फिर से बहुमत देगी और विधानसभा चुनाव में भाजपा को कम से कम 2/3 सीटें निश्चित तौर पर मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में मिली हार पर विपक्ष परेशानियों में पड़ गया है, जिससे उनके नेता बौखलाहट में अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रथा और अधिक बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन हमारे संस्कार और शिक्षा यह नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता कभी भी अमर्यादित भाषा को स्वीकार नहीं करती। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। आज मैं मंच पर बैठे हुए नेताओं का या पदाधिकारियों का नाम इसलिए नहीं ले रहा कि मन में एक भाव मंच पर चढ़ते ही ऐसा आ गया कि आखिर यहाँ चाहे मुख्यमंत्री स्वयं हो, चाहे हमारे सरकार के मंत्री हो, हमारे सांसद हो, विधायक हो, चेयरमैन हो, पार्टी के पदाधिकारी हो, अपने आप को चाहे नेता बड़ा कहते हो चाहे छोटा कहते हो, लेकिन एक बात का आभास सबको है कि हम सब कार्यकर्ता हैं। और इस नाते से इस आभास को और पक्का विश्वास मिला जब इन्हीं नेताओं में से एक नेता ने आते ही कहा कि मैं भी पन्ना प्रमुख हूं और उन्होंने अपना पन्ना मुझे दिया। तो आखिर चाहे बड़े कार्यकर्ता यानी चाहे नेता हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे मंत्री हैं, चाहे हमारा गली मोहल्ले का कार्यकर्ता है, हमने पन्ना प्रमुखों की जो परंपरा शुरू की, जो सिस्टम शुरू किया, भले ही वो हरियाणा में पहली बार किया, लेकिन अद्वितीय प्रयोग, केवल 60 वोटर तक अपनी अप्रोच करने के लिए, पहुंच बनाने के लिए, संपर्क करने के लिए ये काम उसको दिया गया। 60 वोटर के चाहे 15 परिवार हों, चाहे 18 परिवार हों, चाहे 12 हों, चाहे 20 हों, तो 12 से लेके 20 परिवार, इतना ही काम पन्ना प्रमुख को दिया।
और उन पन्ना प्रमुखों ने जो कमाल करके दिखाया, उस कमाल के कारण से ही मन में यह विचार आया कि नेताओं के अभिनंदन, मंत्रियों के अभिनंदन तो बहुत होते हैं, हमको अपने उस मूल कार्यकर्ता को जिसके कारण से, जिसने न नींद की परवाह की, भूखा प्यासा रहकर किसी बात की, किसी स्वार्थ की परवाह नहीं की, निर्भय निडर होकर के, कर्तव्य प्राण प्राण होकर के, और जो उसको काम बताया गया उसने सब कुछ अपना लगाकर, खून पसीना बहाकर, अपने पसीने की से इस चुनाव रूपी भूमि को सिंचित करके 10 कमल हरियाणा में खिलाए। इसलिए इन सब कार्यकर्ताओं का, इन सब पन्ना प्रमुखों का मैं हृदय से आभारी हूं, अभिनंदन करता हूं, और मेरे लिए हमेशा ये जो कार्यकर्ता है इसके प्रति जो सम्मान है वो हमेशा बना रहेगा। मैं अपने भाषण से सम्मान करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब हमारे सुरेंद्र नामदेव और उनकी टोली ने एक गीत के माध्यम से पन्ना प्रमुखों का सम्मान किया है, ये वास्तव में भाव विभोर करने वाला एक गीत, बहुत अच्छा लगा। एक प्रोत्साहन के नाते, एक प्रोत्साहन राशि इस टीम को 21,000 रुपया मैं अपने कोष में से वो भी मंजूर करता हूं। आखिर अच्छी बातों का सम्मान होना चाहिए, तो ये सम्मान स्वरूप मैंने इनको 21,000 रुपये दिए। मित्रों, भाइयों, बहनों, नेता कोई बात कहते हैं, कभी कभी समाज में भी हम देखते हैं कि जो सामाजिक नेता होते हैं, धार्मिक नेता होते हैं, वो अपनी कोई बात कहते हैं, लेकिन बात कही हुई सब जगह पहुंचाने के लिए कोई ना कोई माध्यम होता है, और वो माध्यम होता है पार्टियों में कार्यकर्ता होता है, धार्मिक नेताओं के संदेश को पहुंचाने के लिए उनके जो फॉलोवर्स होते हैं, उनके अनुयायी होते हैं, वो जनता तक पहुंचाते हैं। तो जितने विषय आपको लोकसभा के चुनाव में बताए गए, आप सबने वो काम बखूबी, जो काम जिसके जिम्मे लगाया गया, सब काम पूरा किया, क्योंकि जो परिणाम इस चुनाव में आया है, ये ऐतिहासिक परिणाम हरियाणा में पहली बार आया है, भारतीय जनता पार्टी के लिए पहली बार आया है। इतने बड़े परिणाम की अपेक्षा कोई भी नहीं कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता तो कर रहा था, लेकिन विपक्षी दल, कोई खुद को कहता था हम 10 लाएंगे, अंदर अंदर अपना इनर सर्कल में कहते थे कि 4-5 सीटें तो आ ही जाएंगी, 2-3 सीटों पर हमारा कड़ा मुकाबला है, लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से पूछा तो हमेशा हम लोग डटे रहे कि हरियाणा में हमारे 10 की 10 सीटें आएंगी, केंद्र में हमारी 300 से ऊपर सीटें आएंगी, एनडीए में हमारी 350 सीटें आएंगी, और ये सारे टारगेट पूरे हुए। तो मित्रों, इस आनंद के कारण से आज के कार्यकर्ताओं के बीच में आकर के जो हमारी भूमिका है, यानी हमने वो भूमिका निभाई है, अगर मैं इस पंडाल के अंदर का उदाहरण देता हूं तो जैसे मैं बोल रहा हूं और जो हमारे ये बीच में एम्पलीफायर लगे हुए हैं, अगर ये एम्पलीफायर फेल हो जाए तो मेरी आवाज शायद मंच पर बैठे हुए कुछ लोगों तक पहुंचेगी, सबको नहीं पहुंच सकती। तो हमारे इस कार्यकर्ता ने नेताओं के द्वारा कही हुई बात, अपने नेता नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कही बात इस ढंग से जनता में फैलाई, जैसे एम्पलीफायर अपना काम करता है, तो आपने बहुत बड़ा एक साधन बनकर के इस बात को आगे तक पहुंचाया है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत अभिनंदन है। हम लोगों ने एक नारा लगाया, मोदी है तो मुमकिन है, यही लगाया। मैं एक कदम आगे जाकर के कहता हूं, चाहे इससे मोदी जी नाराज भी हो जाए, मैं कहता हूं कि भाजपा कार्यकर्ता है तो मुमकिन है, भाजपा कार्यकर्ता है तो
क्योंकि कार्यकर्ता के बिना ये कार्य प्राय प्राय असंभव ही होता है। इसलिए मित्रों, हमारी इस भूमिका की सराहना हमारे अखिल भारतीय नेता वो भी इसी प्रकार से कर रहे हैं जैसे आज हम चर्चा कर रहे हैं। एक कहावत है, दाने दाने पर लिखा है क्या, जरा जोर से बोलो, दाने दाने पर लिखा है। मैं एक और नया नारा देता हूं, पन्ने पन्ने पर लिखा है इतिहास बनाने वालों का नाम। यानी जो पन्ना प्रमुख हैं, जिन्होंने सिंपल इतना ही काम किया कि अपने 60 वोटों को संभाला है, इन्होंने कोई छोटा काम नहीं किया है मित्रों, बड़ा काम किया है, एक इतिहास रच दिया है कि देव देश 72 साल हो गए आज आजाद हुए, उस 72 साल की जो परंपरा विपक्षी दलों ने खड़ी कर रखी थी, किसी ने 50 साल काम यानी राज किया, किसी ने प्रदेशों में 10 साल किया, किसी ने 5 साल किया, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार पहली बार जिसने अपने आप को दोहराया है और उससे बड़े बहुमत के साथ, तो 50 साल के बाद यह सरकार बनी है। इससे पहले जनता ने 1971 में इसी प्रकार से परिवर्तन तो किया था, परिवर्तन यानी जो पहले सरकार चल रही थी उसी सरकार को उससे ज्यादा बहुमत देकर के जिताया था, क्योंकि वो पाकिस्तान का विभाजन होकर के दो देश बने, इंदिरा गांधी को उसका श्रेय दिया गया, जनता उमड़ पड़ी और जनता ने देश को ध्यान में रखते हुए दुश्मन कमजोर हो जाए, देश प्रथम रहे, देश आगे रहे, इस नाते से वो श्रेय इंदिरा गांधी को मिला जो पहले से उनके पास बहुमत था, 1971 में उससे ज्यादा बहुमत देके जिताया था। लेकिन ये बात जनता के सामने पिछले 50 साल में कभी आई नहीं, इस बार पहली बार ये विषय आया कि पिछले बहुमत से भी ज्यादा बहुमत देकर के वही सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार फिर दोहराई है। और उसका दोनों चुनाव का एक मैं बड़ा सामंजस्य देखता हूं, सामंजस्य ये देखता हूं कि विपक्षी सरकारों ने, कांग्रेस ने खास करके हमेशा अपनी कार्य पद्धति में ये बात रखी कि सत्ता पहले देश बाद में, सत्ता पहले देश बाद में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विचार और जिसको हमने इस बार परिलक्षित किया है कि देश पहले सत्तावाद में, देश पहले सत्तावाद में। उन्होंने कहा कि सत्ता है तो सब कुछ है, ये कांग्रेस का नारा है। हम कहते हैं देश है तो सब कुछ है, अगर देश है चाहे सत्ता है चाहे नहीं है, और उनका कहना है सत्ता है तो चाहे देश है चाहे नहीं है। उन्होंने देश के टुकड़े बनवाने की बात कही, हमने कहा नहीं, देश के टुकड़े मंजूर नहीं है, सत्ता रहे न रहे। और मैं समझता हूं ये देश की भावना 1971 में आई थी कि जब यह समझा गया कि पाकिस्तान में देश का दुश्मन अगर कमजोर हो गया है तो इसमें देश का भला है, तो देश की बात को मान्यता दी थी, तब इंदिरा गांधी जीती थी। और जब जब स्वार्थ रखा तब तक वो लगातार हारते चले गए। आज के इस चुनावी माहौल में, इस चुनावी युद्ध के साथ तुलना करता हूं तो ये देश के टुकड़े करने की बात करते हैं, ये टुकड़े करके भी कहते हैं हमको सत्ता प्यारी है, देश के भले टुकड़े हो जाएं, हमको सत्ता चाहिए। हम ये कहते हैं कि भाई देश के टुकड़े मत होने दो, देश एक है, देश हमारी मां है, चाहे हमें सत्ता मिले चाहे ना मिले, चाहे इनको दे दो, देश का कुछ नहीं बिगड़ने देंगे, हमको सत्ता प्यारी नहीं, हमको देश प्यारा है। तो मित्रों, हम इस देश के प्रति, हमारी ये जो देशभक्ति की भावना, ये राष्ट्रवाद की आग, ये हमारे मनों में है। और जब ये मन में होता है तो मैं धन्य हूं उन कार्यकर्ताओं के प्रति, नतमस्तक हूं कि जो अपने स्वार्थ की चिंता किए बिना, जो अपने कष्ट और पीड़ा की चिंता के बिना इस देश को संवारना है, देश का भविष्य ये अच्छा कैसे हो, इसका सपना लेकर के आगे बढ़ना है।
विपक्षी लोगों के लिए तो काम करने की यात्रा जब वो पार्टी में शुरू करते हैं तो अपने मन में तय करते हैं कि सत्ता प्राप्ति ये हमारा अंतिम पायदान है, अंतिम लक्ष्य है, अंतिम उद्देश्य है। सत्ता प्राप्ति के आगे उनके पास कोई कल्पना नहीं है। लेकिन मित्रों, हम सत्ता प्राप्ति के लिए काम जरूर करते हैं, काम करके सत्ता प्राप्त करने के बाद जिस दिन सत्ता प्राप्त होती है यात्रा हमारी उस दिन शुरू होती है, हमारी यात्रा उस दिन शुरू होती है। आज हमने अगर सत्ता प्राप्त की, चाहे वो पहले केंद्र में नरेंद्र मोदी जी ने की थी, चाहे हरियाणा में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दी थी, हमने इस यात्रा में कुछ काम किए, लेकिन ये समाज विकास की यात्रा, ये इस देश की एकता अखंडता की यात्रा, देश के गौरव बढ़ाने की यात्रा, दुनिया में विश्व गुरु कहला करके हम दम लेंगे तब तक की यात्रा, इसकी शुरुआत हुई है। और जब शुरुआत हुई है तो हम लोगों को बहुत आगे बढ़ना है। हम एक गीत बोला करते हैं, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। सत्ता हासिल करना हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये एक लक्ष्य हो सकता है पहला स्टार्ट करने के लिए। सत्ता नहीं भी थी, हम समाज का काम तब भी करते थे, आज सत्ता है तो अनुकूलता आ गई है और उस अनुकूलता के माध्यम से हमारे वो समाज सेवा का काम उसकी गति बढ़ेगी, और गति बढ़ा करके जो काम देर से होने वाला था वो थोड़ा जल्दी होगा, तो जल्दी हमारा काम हो इस नाते से ये हमारी भाव भावना, इसको हमको बना के रखना है। ये विपक्ष के लोगों ने जब जब सत्ता में आए हैं इन्होंने अपना घर भरा है, मैं मेरा घर मेरा परिवार, यही इनके सामने टारगेट रहा है। चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, सत्ता का दुरुपयोग करके जो भ्रष्टाचार की इन्होंने शुरुआत की, उस भ्रष्टाचार के माध्यम से अपने घर भरे, आज वो कटघरे में आ गए हैं सब, कोई किसी लेवल पर है, कोई किसी लेवल पर है। तो ये अपने अपने जो घर भरते थे, हमने इसको बदलना है। हमारा जो ध्येय वाक्य है, हम कहते हैं चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। हम जहां अंधेरा है उसको उजाला करने के लिए अपने आप की यात्रा हमने शुरू की है। गरीब की सेवा करेंगे, पीड़ित की सेवा करेंगे, चाहे वो मजदूर है, किसान है, छोटा व्यापारी है, पूर्व सैनिक है, सैनिक परिवार है, हमारा युवा है, महिला है, दिव्यांग है, जहां भी कोई कमी रह गई है उस कमी को समाप्त करने के लिए, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम लोग अपने सिस्टम में आगे बढ़ रहे हैं। हमने भ्रष्टाचार रूपी इस दानव के ऊपर जो चोट की है, ये हमारा 4.5 साल का रिकॉर्ड है। युवा हमारा आज प्रसन्न है, क्यों प्रसन्न है, क्यों से लगता है कि मैं मेहनत करूंगा, मैं मेरिट में आऊंगा, मैं पढ़ाई लिखाई करूंगा तो मुझे अवश्य सम्मानित किया जाएगा, अवश्य सम्मानित किया जाएगा। हमारी बहनें, महिलाएं, माताएं, ये आज सुरक्षित है, इनको एक संतोष इस बात का है कि चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे महिला शिक्षा की बात हो, और चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से जेंडर रेशो में महिलाओं की संख्या बढ़ाने की बात हो, हमारी महिलाएं खुश हैं, हमारा किसान भी खुश है। उस किसान को लगता है कि हमारी फसल का दाना दाना खरीदा जाएगा, उस किसान को लगता है कि जो सबसे ज्यादा प्रकृति के गोद में किसान रहता है और जिसका यहां काम जोखिम भरा है, उस जोखिम का अगर कोई उसको मुआवजा मिलने की बात का भरोसा हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, चाहे अकस्मात कोई उसका नुकसान हुआ तो उसके लिए केंद्र प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला अधिकतम मुआवजा हो, किसानों को उसका संतोष हुआ है। हमारा छोटा व्यापारी निडर होकर के, निर्भीक होकर के आज अपने काम पर खड़ा है, उसको अब कोई फोन करके ये नहीं कर सकता कि तुझे कोई मंथली देनी है, कोई साप्ताहिक कोई चंदा देना है, कोई माहवारी कोई चंदा, सप्ताह की कोई फिरौती ये देनी है, वो सब कुछ खत्म हो गया है। दलाल बिचौलिए सब खत्म हो गए हैं। हमने आईटी के माध्यम से ये सारे काम किए हैं। हमारा खिलाड़ी प्रसन्न है, उसको लगता है कि मेरे लिए एक ऐसी नीति बनाई गई है कि अच्छा खेल दिखाने के बाद उसका मान सम्मान होता है,
देश का मान सम्मान बढ़ता है और उसके सम्मान के साथ साथ उसकी आजीविका अथवा उसको जो इनाम की राशि ये उपलब्ध कराई जाती है ताकि अपने जीवन को सफलता से वो आगे बढ़ा सके। हमारे सैनिक, पूर्व सैनिक, जिनका हम अलग से हमने एक विभाग बना दिया है, चाहे वन रक वन पेंशन की बात हो, चाहे शहीद सैनिकों के परिवार जो उनके पर यानी निर्भर परिवार है उनके परिवार को नौकरी देने की बात हो, हमने 350 नौकरियां मित्रों दी हैं, जो कभी भी कांग्रेस ने तो अपने 10 साल के कार्यकाल में मेरे ख्याल एक या दो दर्जन नौकरियां उन्होंने दी थी, हमने 4.5 साल में 350 नौकरी दी है। हमने हर प्रकार की सुविधाएं देने की बात कही है, शिक्षा की बात इसको हम एक एक कदम करके आगे बढ़ा रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं, रोजगार की बात, इंडस्ट्री की बात, हर विभाग में हमारा कोई ना कोई एक पैरामीटर मापदंड पूरा करने के लिए हम अन्य प्रदेशों से आगे बढ़ गए हैं। ये हमारी यात्रा शुरू हुई है, हमने काम शुरू किए हैं, यात्रा पूरी नहीं हुई है, इस यात्रा को पूरा करने के लिए बहुत काम करना भी बाकी है और उस काम को आगे बढ़ाने के लिए मित्रों हम जहां से शुरू हुए थे वहां से आज तक यहां आए हैं, आगे भी बढ़ना है। 1984 में एक ऐसा काल आया था जब भारतीय जनता पार्टी के देश में कितने सांसद थे, 2 सांसद थे। आज 2019 में 2 सांसद की बजाय हम सत्ता में दोबारा आ गए हैं। ये यात्रा यहां तक पूरी की है। हरियाणा में पहली बार हमने अपनी सरकार बनाई है, 3 महीने के बाद, लगभग 3.5 महीने के बाद हमारा एक और वो जो दौर है परीक्षा का वो आने वाला है। तो जिस उत्साह से हमने अपनी इस लोकसभा चुनाव के अंदर काम किया है मित्रों, विपक्ष की भी क्योंकि परेशानी तो बढ़ गई है, बढ़ी हुई परेशानी में आदमी कुछ ना कुछ बौखला करके बोलता रहता है। ये नेताओं की, जो विपक्षी नेताओं की अमर्यादित भाषा, ये दिनों दिन बढ़ेगी। लेकिन मेरा निवेदन आपसे है, हमको बड़े संयम से काम लेना है। जैसा मैंने ओपनली कहा कि हमारी वो शिक्षा नहीं है जैसी उनकी शिक्षा है, हम तो एक प्रभु से याचना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सभी सुखी हों, भगवान सबकी आयु लंबी करे। हम अपने मुख से कुछ गलत शब्द नहीं निकालेंगे और इसके बारे में अगर किसी को ध्यान करना होगा तो यदि आप संदेश जनता तक पहुंचाएंगे तो जनता इसका ध्यान कर लेगी कि अमर्यादित भाषा को जनता स्वीकार नहीं करती है, ना लोकसभा चुनाव में किया है और ना विधानसभा चुनाव में स्वीकार करेंगे। हम उसी प्रकार की मेहनत करते हुए हरियाणा प्रदेश की हमारी जितनी उपलब्धियां हैं, जो बात जनता को अच्छी लगती है वो तो हम बताएंगे ही बताएंगे। जनता की कुछ परेशानियां कठिनाइयां आज भी होंगी, उनको भी उनसे जानकारी लेकर के हम सरकार तक पहुंचाएंगे और हम वायदा करते हैं, संकल्प करते हैं कि जो सामान्य कठिनाइयां जनता की होती हैं उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम अगले टर्म में पूरा प्रयत्न करेंगे। मित्रों, कभी आज से 20-30 साल पहले चुनाव होते थे, बात की जाती थी, मैं उसको अंग्रेजी में FCR फैक्टर कहता हूं। FCR फैक्टर अंग्रेजी में कहेंगे फूड क्लॉथ एंड रेजिडेंस, रोटी कपड़ा और मकान। ये बात चलती थी कि भी रोटी कपड़ा मकान का संबंध करेंगे। अब प्रभु कृपा से हरियाणा में बहुत थोड़े ही परिवार ऐसे होंगे जिनको इस बात की चिंता होगी रोटी कपड़ा और मकान की। मकान के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 तक जिसका भी सिर के ऊपर पक्की छत नहीं है उसको मकान उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से निश्चित सहयोग राशि की जाएगी। अब वो फैक्टर चलते नहीं है। आज फैक्टर जो चलता है उसको अगर मैं कहूं तो BSP फैक्टर चलता है। BSP फैक्टर क्या होता है? B से बिजली, S से सड़क, P से पानी। BSP फैक्टर बिजली, सड़क, पानी। हमने अपने पर्याप्त प्रबंध करके आज इन सब चीजों में आगे बढ़ गए हैं। बिजली की बात हो तो हमने 3,500 गांव के अंदर 24 घंटे बिजली कर दी है मित्रों, और बाकी भी आज 15 घंटे से कम किसी गांव में बिजली नहीं जाएगी। जिन्होंने कुछ काम किया या नहीं किया, 12 घंटे वाले सभी 15 घंटे कर दिए हैं, एक बात। और इसके बाद
18 घंटे 21 घंटे के भी 2 स्लैब बीच में और बनाए हैं, कुछ शर्तें डिपार्टमेंट ने लगाई हैं कि इनको पूरा करो और अपने गांव में 24 घंटे बिजली लो। मैं विश्वास करता हूं कि जनता उस अपील पर काम कर रही है और आने वाले अगले कुछ दिनों के अंदर हम 24 घंटे जो बिजली देने की बात है उसको पूरा कर देंगे। पानी की बात हमने कही, केवल हरियाणा के 104 गांव हैं जिनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर या तो पुराना हो गया, खराब हो गया, लाइनें खराब हो गई, वाटर वर्क्स खराब हो गए, उनको नया बनाने के लिए 98 पर काम शुरू हो गया है। 6 गांव में चूंकि कोई दूरी है, कहीं ना कहीं वहां फिजिबिलिटी की दिक्कत आई है, उनका भी जल्दी पूरा करा के सब 104 गांव के अंदर बचे हुए गांव हैं पीने का पानी सुनिश्चित, ये गारंटेड करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और सड़कें, जितनी सड़कों की डिमांड हमारी 4.5 साल में आई हमने सब मंजूर कर दी है, लगभग सड़कें बन गई हैं, नेशनल हाईवे बनने शुरू हो गए क्योंकि लंबा प्रोजेक्ट होता है, और जो हमारी PWD की सड़कें हैं वो भी बन रही हैं, छोटी सड़कें हमने मार्केटिंग बोर्ड की पर्याप्त बनाई हैं। फिर भी हमने सभी क्षेत्रों के अंदर अपने नेताओं कार्यकर्ताओं कहा है कि आप लिस्ट दे दीजिए, अगले 3 महीने में सारी सड़कें भी मंजूर कर देंगे। हमने एक एक चीज को अध्ययन करके आगे बढ़ाया है। अब मैं एक बात और नहीं आपके सामने रखना चाहता हूं कि आने वाले समय में, चाहे आने वाले अगले 5 साल में, चाहे उससे अगले 5 साल में, इस देश में एक नया फैक्टर भी शुरू होगा और उस फैक्टर को मैंने नाम दिया है शी फैक्टर, SHE। एस माने सिक्योरिटी, लोग सिक्योरिटी की चिंता आज भी करते हैं लेकिन सोशल सिक्योरिटी की ओर आगे बढ़ेंगे, पेंशन ठीक मिल जाए, बुढ़ापा ठीक कट जाए, उनको किसी को बीमारी हो गई तो बीमारी का उसको खर्चा ना पड़े, कोई नुकसान हो गया चाहे वो माली नुकसान है, जानी नुकसान है, शहर में है, गांव में है, व्यापारी का, किसान का, किसी का भी है, उसकी सिक्योरिटी हमारी ठीक हो जाए। एच से बनता हेल्थ, हेल्थ यानी हमारा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए आज हेल्थ केयर, स्वास्थ्य की चिंता, स्वास्थ्य के प्रति एक जागरूकता ये बहुत बढ़ गई है। जैसे हमने आयुष्मान योजना का प्रारंभ किया है, ये प्रारंभ है, इस प्रारंभ के बाद हम आगे चल करके स्वास्थ्य संबंधी जितनी समस्याएं हैं उस सुरक्षा की भावना, उसका इलाज का खर्च, उस इलाज की सुविधा, ये सब हम पूरी करेंगे, ये अगला एच है। और ई का मतलब एजुकेशन, सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन, ये 3 चीजें अब हमारे अगले एजेंडे पर हैं और इन तीनों चीजों के ऊपर हमने अभी से काम करना शुरू किया है। ये अगले 5 साल के अंदर इसमें जितना मैक्सिमम काम हो सकेगा, चाहे वो सिक्योरिटी की बातें हैं, चाहे वो हेल्थ की बातें हैं, चाहे एजुकेशन की बातें हैं, क्योंकि आज चुनावी माहौल में अगर कुछ पार्टियां इसको बनाना भी चाहती हैं मुद्दा, तो ये मुद्दा लोग अभी स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन मैंने विदेशों में देखा है कि वहां ये मुद्दे ही ज्यादा हावी हो गए हैं। आगे आने वाले समय में इन मुद्दों के ऊपर ये जनता में ज्यादा हावी ना हो, पहले से इस पर काम करेंगे। तो इसलिए अलग अलग समय के अलग अलग फैक्टर चलते रहते हैं। जनता को ये बताने की बात है कि हम सरकार के लोग निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ने के लिए जो अपना काम कर रहे हैं, इस प्रदेश में एक जो भेदभाव है, एक जो एक दूसरे के खिलाफ वातावरण बढ़ाने की, आपस में लड़ाने भिड़ाने की बात रहती है, चाहे इलाके के हिसाब से बढ़ाते हैं, चाहे वर्गों के हिसाब से बढ़ाते हैं, कहीं किसान को दुकानदार को बढ़ा देंगे, कहीं दुकानदार को कर्मचारी को बढ़ा देंगे, कहीं कर्मचारी किसान को बढ़ा देंगे, और कहीं जातियों के बढ़ाने की बात रहती है, हम ऐसा कोई भी भेद पैदा नहीं करने देंगे, मित्रों नहीं करने देंगे। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ये हमने बात कही है तो सोच समझ के कही है कि जातियों के आधार पर हमारा समाज न बटे। आह्वान भले ही कोई करता है लेकिन आखिर ये जनता में ये बात लेके जानी पड़ेगी कि भी राजनीति में जाति का कोई काम नहीं। आप राजनीति में अगर कोई बात लाना चाहते हैं तो आप विकास की लाइए, आप मुद्दों की लाइए, आप सेवाओं की लाइए, कौन सी सेवा सरकार को देनी चाहिए, कौन सी दे रही है, कौन सी नहीं दे रही है, उसकी तुलना करिए कि पिछली सरकारों और में इस सरकारों में क्या क्या अंतर आए हैं। लेकिन भूल करके भी आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूं हरियाणा की जनता से, आपके माध्यम से जनता को आवेदन करता हूं, निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि कम से कम जातियों को इस मामले में आड़े मत आने दीजिए। अगर हमको बहुत ज्यादा इस बात को उभारना भी है
तुमको अपने प्रदेश का गौरव, हरियाणा का गौरव इसको बढ़ाना है। मुझे कोई पूछे कि जाति क्या है, प्रधानमंत्री जी ने तो जो दो जातियां बताई हैं, उन्होंने कहा कि एक जाति है गरीब और दूसरी जाति है गरीब का भला करने वाला, ये दो ही जातियां हैं। मैं प्रदेश के नाते कहता हूं कि अगर भाई कोई पूछ ले कि पहचान के नाते क्या है, तो अपने प्रदेश की पहचान पहले बताओ कि मैं पहले हरियाणवी हूं, मैं पहले हरियाणवी हूं, बाद में जाट हूं, पंजाबी हूं, अनुसूचित जाति का आदमी हूं, बैकवर्ड का हूं, या यादव हूं, ब्राह्मण हूं, जो कुछ बताना बाद में बताओ, पहले मैं प्रदेश का हरियाणवी नागरिक हूं। अगर हरियाणा का गौरव हमने मन में ले आए तो मुकाबला करेंगे दूसरे प्रदेशों से, मुकाबला वो हमारा पास के पड़ोस के प्रदेशों से भी हो सकता है। हम उत्तर प्रदेश से कर सकते हैं, दिल्ली से मुकाबला कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश से कर सकते हैं, पंजाब और राजस्थान से कर सकते हैं। और हम जिन प्रदेशों को मुख्य धारा में सबसे आगे माना जाता है, ऐसे दो तीन प्रदेश, उनका भी मुकाबला करना पड़ेगा, हम करेंगे, चाहे वो गुजरात हो, चाहे आंध्र हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे महाराष्ट्र हो, उनसे मुकाबला करके उनसे आगे बढ़ेंगे, हम उनसे आगे बढ़ेंगे। तो मित्रों, हमारे सोच का अंतर, ये हमको लेके आना है। पहले हम कार्यकर्ताओं को लाना है, कार्यकर्ताओं के बाद जनता को यह संदेश पहुंचाना है कि हम इस लाइन पर आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के लिए 100 दिन के बाद आने वाले चुनाव का हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य, 2/3 मेजोरिटी। ये 2/3 मेजोरिटी हरियाणा असेंबली में हमारा ये लक्ष्य है। हम बहुत ज्यादा जितनी हाँक कभी नहीं मारते कि हम 90 जीतेंगे, 80 जीतेंगे, 85 जीतेंगे, हमारे पास 2/3 का मतलब है 67। हम इस टारगेट को लेकर आगे चलेंगे और कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, मेहनत से, प्रभु की कृपा से, हमारे पुराने लोगों के आशीर्वाद से, इस जनता को जिनके प्रति जनता की श्रद्धा है, ऐसे हमारे श्रद्धा पुरुष, उनके सबके आशीर्वाद से हम इस लक्ष्य को पूरा करें और हम जाकर के अपने अपने क्षेत्र में उसी तन्मयता से काम करें जिस तन्मयता से हमने लोकसभा चुनाव किया। अंत में मैं पुनः सभी कार्यकर्ताओं का, चाहे वो पन्ना प्रमुख गली मोहल्ले का हो, चाहे पन्ना प्रमुख बैठा हुआ हमारा मंच पर कार्यकर्ता हो, चाहे हमारा मंत्री है, सांसद है, विधायक है, चेयरमैन है, पदाधिकारी है, सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।